दोस्तों मैं हूं तरसेम लाल, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए उन जड़ी बूटियों तथा द्रव्यों के विषय में जानते हैं जिन्हें अलग ही सांकेतिक नाम दिया गया है। आयुर्वेद में सांकेतिक परिभाषा। त्रिकुट, सौंठ, पीपल, काली मिर्च के संभाग मिश्रण को त्रिकुट कहते हैं। त्रिफला, आंवला, हर्रे और बहेड़ा के संभाग मिश्रण को त्रिफला कहते हैं। त्रिकंटक, कटेली, धमासा, गोखरू को त्रिकंटक कहते हैं। त्रिमद, एकत्र मिले हुए वायवडिंग, नागरमोथा और चित्रक को त्रिमद कहते हैं। त्रिजात, दालचीनी, तेजपात और इलायची को त्रिजात कहते हैं। त्रिलवण, मिले हुए सेंधा, काला तथा विड नमक को त्रिलवण कहते हैं। क्षार्त्र, यवक्षार, सज्जिखार और सुहागा के मिश्रण को क्षार्त्र कहते हैं। मधुरत्र, न्यूनाधिक मात्रा में एकत्र मिले हुए घृत, मधु तथा गुड़ को मधुरत्र कहते हैं। त्रिगंध, मिले हुए गंधक, हरिताल और मैंसिल को त्रिगंध कहते हैं। चतुर्जात, एकत्र मिले हुए दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेसर को चतुर्जात कहते हैं। चतुर्भद्र, एकत्र मिले हुए सौंठ, अतीस, मोथा और गिलोय को चतुर्भद्र कहते हैं। चातुर्बीज, एकत्र मिले हुए मेथी, अजवाइन, काला जीरा तथा हालों के बीज को चातुर्बीज कहते हैं। चतुरुष्ण, एकत्र मिले हुए सौंठ, काली मिर्च, पीपल और पिपला मूल को चतुरुष्ण कहते हैं। चतुसम, हर्ड, लौंग, सेंधा नमक और अजवाइन के मिश्रण को चतुसम कहते हैं। बला चतुष्टय, एकत्र मिले हुए खरेंटी, सहदेई, कंगी और गंगरेन को बला चतुष्टय कहते हैं। पंचवक्ल, आम, बड़, गुल्लर, पीपल, पाकड़, इन पंचशिरी वृक्षों के वक्लों के मिश्रण को पंचवक्ल कहते हैं। तृण पंचमूल, एकत्र मिले हुए कुश, कांस, सरकंडा, कांस और गन्ने के मूल को तृण पंचमूल कहते हैं। अमल पंचक, एकत्र मिले हुए बिजौरा, संतरा, इमली, अमलवेत और जंबीरी नींबू को अमल पंचक कहते हैं। लघु पंचमूल, साली पर्णी, प्रसन्न पर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली और गोखरू को लघु पंचमूल कहते हैं। बृहत पंचमूल, अरणी, शोनक, पाढ़ल की छाल, बेल और गंभारी को वृहत पंचमूल कहते हैं। पंचपल्लव, एकत्र मिले हुए कैथ, बिजोरा, बेल और जामुन के पत्ते को पंचपल्लव कहते हैं। पंचकोल, एकत्र मिले हुए पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, नागर को पंचकोल कहते हैं। पंचगव्य, एकत्र मिले हुए गाय के दूध, दही, घृत, गोबर और मूत्र को पंचगव्य कहते हैं। पंचलवण, एकत्र मिले हुए सेंधा, काला, विड, सोंचल और समुद्र लवण को पंचलवण कहते हैं। पंचक्षार, तिलक्षार, पलाशक्षार, अपमार्गक्षार, यवक्षार और सज्जिक्षार, इनको पंचक्षार कहते हैं। सुदूषण, पंचकोल में काली मिर्च मिला देने से सुदूषण कहलाता है। सप्त धातु, स्वर्ण, चांदी, ताम्र, भंग, यस्त, सीसा और लोहा को सप्त धातु कहते हैं। सप्त उपधातु, स्वर्ण माक्षिक, रौप्य माक्षिक, नीलाथोथा, मुर्दासंग, खरपर और सिंधूर और मंडूर को सप्त उपधातु कहते हैं। सप्त उपरतन, वैक्रांत, राजावर्त,
पिरोजा, सुक्ति, शंख, सूर्यकांत और चंद्रकांत को सप्त उपरत्न कहते हैं। अगर शीतल मिर्च, लोबान, लौंग, केसर, कपूर, चातुर्जात को सप्त सुगंधी कहते हैं। अष्टवर्ग मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक, रिद्धि और वृद्धि को अष्टवर्ग कहते हैं। मूत्राष्टक गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंटनी, गधी, घोड़ी और हथनी के मूत्र को मूत्राष्टक कहते हैं। क्षाराष्टक अपामार्ग, आग, इमली, तिल, ढाक, थुहर और जौ, इनके पंचांग के क्षार तथा सज्जी क्षार मिलकर क्षाराष्टक कहलाते हैं। नवरत्न हीरा, मोती, पन्ना, प्रवाल, लहसुनिया, गोमेदमणि, माणिक्य, नीलम और पुखराज, ये नवरत्न कहलाते हैं। नव उपविश थुहर, आग, कलिहारी, चिरभिट्टी, जमालगोटा, कनेर, धतूर और अफीम, ये नव उपविश हैं। दस मूल लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल को मिला देने से दस मूल बन जाता है।